भाई पूरा गांव शांत है यार, ये बहुत सुनसान है ये इलाके, ज्यादा आना जाना थोड़ा कम लग रहा है लोगों का। कहीं कहीं जंगल बाग से अभी हम गुजर रहे हैं। गुड आफ्टरनून, अभी भाई हम लोग पहुंच गए भानु प्रतापपुरा, यहीं से हम अभी कांकेर के लिए शायद लेफ्ट लेने वाले हैं। अभी देखते हैं आगे जाके, पहले तो कहीं चाय पियेंगे क्योंकि बहुत देर से लग रहा है कि चाय लेना चाहिए, और गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट देंगे अभी, एक 10-15 मिनट का, 20 मिनट का, क्योंकि कंटिन्यू चल रहे हैं, हम रुके नहीं है, सिर्फ एक जगह रुके थे, उसके बाद से तो हाँ मिलिन कहीं रुके नहीं, कहीं रुके नहीं। और हमें तो रिलैक्स मिल जाता है, मगर ये धूप में गाड़ी को रिलैक्स गाड़ी के हिसाब से चलना पड़ता है भाई अपने को, इसीलिए थोड़ा हमर भानु प्रताप पूरा, अच्छा हमर मुझे हमारा, ओके हमर भानु प्रताप, अरे यार ये क्या चीज है भाई, ये रैली चल रही है, क्या मजदूर, क्या राजमिस्त्री म्हणजे ते प्लास्टर वाले हे जुडाई वाले, यांच्या काय तर मागणी आहे, थोडा समजून घेऊ म्हणजे विषय मांडायला बरं राहतं, बरं राहते बरोबर, कारण हा वर्ग या भागात जास्ती आहे, बरोबर आहे, बराबर आहे भाई आपकी बात, बराबर आहे, अच्छे लोग हैं वैसे भी, 100 लोग होंगे ये, हाँ हाँ है ना, मतलब कुछ का आवाज तो उठा है कम से कम, चलो अच्छी बात है, चलते रहता है भाई, ये जिस तरह से ये जो आम मजदूर है इधर चलते रहता है, किसी को पूछना पड़ेगा, सीधा जाना है लेफ्ट मारने, जहाँ तक तो लेफ्ट मारना है, ये बाबूजी को पूछता हूँ, चाचा कांकेर के लिए यही रास्ता जाएगा, चलो धन्यवाद। ये एक सुंदरता पण आहे, म्हणजे ये एक सुंदरता भी है हमारे लोकतंत्र की, कि आपको आपकी बात रखने का मौका दिया जा रहा है, आपके हक का अगर हनन हो रहा है हाँ। तो आप अपनी बात को तहसील कार्यालय में ले जाकर आप अपनी सुनवाई कर सकते हो और अपनी बात को मनवा सकते हो, अगर सच्चाई हाँ। है तो बराबर है। और ये जो रैली निकली है ये तो ये तहसील कार्यालय पे आई हुई है, तो ये न्यायालय, ये पूरा तहसील भाग है ना भाई, ये क्या न्यायालय वगैरह दिख रहा है ना यार, इस तरह से छोटी टपरी देखेंगे, हाँ छोटी टपरी देखेंगे, थोड़ा सा बेचारा उनको भी ये हो जाए, अब ये देखिए दोनों का ध्यान चले गया अपने तरफ, वो तेरे को पता तो कैमरे से ज्यादा मालूम है, डिवाइस का ध्यान जाता है, ज्यादा जाता है, क्योंकि वो कुछ नया हटके लगता है, वो समझ में नहीं आता चीज क्या है करके, वो कैमरा मालूम है आजकल लोगों को, ये हो गया है कि समझ में आ जाता है, ये कैमरा है भाई, यहाँ होगा साला कोई, तू कांकेर 50 है भाई यहाँ से 2 घंटे का, तो अभी बच रहे हैं 2 दोपहर के, और अभी हम भानु प्रतापपुरा से निकल करके कांकेर की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसके जंगल है बढ़िया है, अच्छी जगह लग रही है, ये है भाई बहुत सुनसान है ये इलाके, ज्यादा आना जाना थोड़ा कम लग रहा है लोगों का, कहीं कहीं 41 किलोमीटर है, 41 किलोमीटर है, क्या बढ़िया व्यू है यार रोड का, दोनों साइड में दोनों तरफ आम के पेड़ है, बहुत ही सुंदर नजारा है ना, चलो जो भी है अच्छा है, ये पूरा जंगल बाग से अभी हम गुजर रहे हैं, है मिलिंद भाई, बिल्कुल जंगल है, कई कई बीच में तालाब है, हाँ और तालाब तो बहुत है भाई इधर, बहुत ही बढ़िया है, क्या बढ़िया इनका ड्रेस है ना मिले, बहुत सही ड्रेस है। और इसी तरह से अगर शहरों में भी पहरावा रहे, भाई पूरा गांव शांत है यार, पूरा गांव दोपहर में सब लोग घर आके सो रहे होंगे, सो रहे होंगे क्या, और जो भी सुबह सुबह अपने खेत पे जो भी काम करना है, क्या मिले यहाँ ऐसा ही दिख रहा है, चाय वाला थोड़ी है, नहीं चाय वाला तो यहाँ पे भी नहीं है, नहीं चाय दिख रही है, थर्मास दिख रहा है, नाश्ता दिख रहा है, देखो ना थर्मास दिख रहा है ना, चाय है जरूर, बढ़ती है
भट्टी की चाय? मेरे को तो नहीं लगी भाई भट्टी की चाय। मेरे को नहीं लग रही भट्टी की चाय। हाँ तेरे को भट्टी दीजिए। भट्टी कहाँ है? चल आगे आगे चलो अंदर अंदर। तो भाइयों हम पहुंच गए हैं कांकेर के एक स्क्वायर पे। यहाँ से राइट लेंगे तो कांकेर आएगा और देखते हैं वहाँ रूम का क्या सीन है। रूम अगर होटल में मिलती हैं तो देखते, नहीं तो फिर आगे निकल जाएंगे। हाँ मिलिंद भाई सही है। अगर मेहमान में मिलती है तो रुक जाएंगे, अदरवाइज आगे निकल जाएंगे। हाँ केशकल की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है